अलवर शहर में ग्रैब गाइडलाइन की जद से निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद विवादित भूमि पर रातों रात ग्रैवल सड़क बना दी गई है, लेकिन सड़क किसने और क्यों बनाई ये किसी अधिकारी को भनक तक नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी दिन भर मीटिंगों में व्यस्त नजर आते हैं, जबकि धरातल पर कुछ अलग हटकर होता है। अधिकारियों को विकसित भारत यात्रा से शायद फुर्सत ही नहीं मिल रही, शायद इसी का फायदा उठाकर कोई ठेकेदार किसी अधिकारी से मिली भगत कर सड़कें रातों रात बना रहा है, क्योंकि एक दिन ठेकेदार सड़क निर्माण का अवश्य सरकारी खाते से मोटा भुगतान उठाएगा। दरअसल एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए ग्रैब की गाइडलाइन की पालना में प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद सड़क कैसे बन गई ये सवाल बार बार आम जनता को कचोट रहा है और प्रशासन के लिए गंभीर भी है। असल में मामला ये है कि नगर विकास न्यास की विवादित जमीन पर नगर निगम के किसी ठेकेदार ने किसी अधिकारी व कर्मचारी से सांठ गांठ कर रातों रात घटिया किस्म की ग्रैवल सड़क बना दी है। ये सड़क किसने और क्यों बनाई इसका जवाब नगर विकास न्यास में नगर निगम के अधिकारियों के पास शायद नहीं है। असल में नगर निगम के किसी ठेकेदार ने शहर के धोबी गट्टा पर यूआईडी की विवादित जमीन पर रातों रात ग्रैवल रोड बना दी है, जिसकी जानकारी मिलने पर अलवर न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पाया कि ताजा ग्रैवल रोड बना हुआ है और सड़क निर्माण कार्य जल्दीबाजी में घटिया हुआ है। सड़क निर्माण घटिया किस्म की सामग्री से बनाया गया है, सड़क हाथ से ही टूटने लगी है। सवाल सड़क घटिया किस्म का होना तो है ही, लेकिन गंभीर मामला ये भी है कि रातों रात सड़क किसके इशारे पर बनी है। ताज्जुब यह है कि किसी भी अधिकारी ने कुर्सी से उठकर ग्रैवल सड़क के काम को रुकवाने की जहद नहीं मनाई। दूसरी तरफ नगर निगम के जेएन मुरारी लाल ने अलवर न्यूज को बताया कि विवादित जमीन पर सड़क निर्माण का वर्क ऑर्डर पहले ही निरस्त कर दिया गया था, उसके बावजूद भी ये निर्माण कैसे हुआ ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये तय है कि नगर निगम राजकीय कोष से उस सड़क का भुगतान नहीं करेगा। धोबी गट्टा पर सड़क निर्माण के बाद आज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शक्ति नगर में 2 घंटे के भीतर सड़क बना दी। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सड़कें किसके इशारे पर ग्रैब की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार बन रही हैं, जबकि ग्रैब गाइडलाइन जारी होने पर कॉलोनियों में गलियों में छोड़ी गई अधूरी सड़कें यथावत है। नहीं, नगर परिषद से कोई परमिशन नहीं दी गई थी, और 4-5 दिन पहले मना कर दिया, उसकी फाइल भी जब्त कर दी गई है कि आपका काम नष्ट हो गया है, काम मत करना भाई। अब बिना पूछे काम किया है तो उसको हम पेमेंट के हकदार नहीं है। तो नगर परिषद उसको और क्या कार्रवाई, बिना जब सरकारी जमीन पर कोई काम किया है उसने, तो क्या कार्रवाई होगी उस पर? अब मैंने उससे पहले ही मना कर दिया, यूआईटी का विवादित जमीन है, मैं उस टाइम पे ही नहीं था, दूसरे जमीन ने उसे अच्छे बनाया था, उसने वर्क ऑर्डर करवाया था, और मैं उसको मेरे हाथ में फाइल आई, उसको ट्रांसफर हो जाइए, मेरे पास फाइल आई तो मैंने मना कर दिया, मेरे साहब ये विवादित जमीन है, इस पर काम मत करना जब तक यूआईटी से हमें एनओसी नहीं मिला तब तक। तो विवादित जमीन पर टेंडर कैसे हो सकता है? अब क्या पता साहब, वो तो वैसे साहब जाना वो दिए जाने उसके टाइम का। कल रात को हमारे जो कनिष्ठ अभिनेता से सूचना मिली थी कि विजयनगर की जो आवासीय जमीन है उस पर एक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, हमने जानकारी की तो पता चला कि नगर निगम के द्वारा ये सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ के अधिकारियों से हमने बात की तो उनके द्वारा बनाया गया कि हमारे यहाँ ये कार्य स्वीकृत है इसलिए किया जा रहा है, तो हमने उनको अवगत कराया कि भाई इसमें क्या न्यास की अनुमति के बिना ही उनके द्वारा कार्य कराया गया था, हमारे कहने के बाद उन्होंने कार्य रुकवा दिया गया है, पता है हमारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी इसको लाया गया है। आगे कार्रवाई करेगी अगर कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं वो दोबारा कुछ करते हैं तो हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा नगर निगम के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया। इसमें नगर निगम के द्वारा नगर विकास न्यास की सहमति नहीं ली गई थी, उनके द्वारा अपने न्यास के बिना अनापत्ति लिए कार्य करवाया गया, जो हमारे संज्ञान में आती है, हमने कार्य को रुकवा दिया गया था और उनके उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डाल दिया।